हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SF क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में सोशल साइंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं सेकंड सेटिंग में, जो हमारे पास सेट को ए आया है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था उसको आंसर शीट मैंने ला दिया हूँ। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा ताकि कितना सही है कितना गलत आपका आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की किस संधि हुई थी, मतलब फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अब जब तक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किया था। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा करो या मरो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में किया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर सी, चीन में हुआ था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा रेशम मार्ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। और चलते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1 मार्च। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों 8 ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित होता है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन से प्राप्त हुआ। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी, अशिक्षा है, गरीबी है और बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1971। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघ सरकार का उदाहरण है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन से है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादों के लिए हो जाएगा 1 मार्क, और सोना के लिए हो जाएगा तो आभूषण के लिए हॉल मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है। इसमें दोस्तों आप लोग का पता है कि डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज सेवा जो होगा आर्थिक क्रियाओं का मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी,
दादा भाई जी नौराव जी ने 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 32 सुपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 है, हीराकुंड बांध है। इसमें दोस्तों आप लोग का हीराकुंड मतलब भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लोहा को उद्योगों का जननी कहते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 36 है, गंडक परियोजना क्या है। गंडक परियोजना है, इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37, कि निम्न में राज्यों में से किसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। कलगांव तापी विद्युत परियोजना है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, भागलपुर जिला में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 39 है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्षा की कमी। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर बिहार। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूकंप केंद्र के उद्वादर पूर्व पृथ्वी पर स्थित केंद्र का कहते हैं अधिक केंद्र होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुनामी संबंधित है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, समुद्र से मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों आप लोग हो जाएगा सी, इंफ्रारेड कैमरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, डायरी विकास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सूती मिल कहाँ स्थापित की। इसमें दोस्तों सूती मिल जो है कलकत्ता में सर्वप्रथम लगाई गई थी और जो आधुनिक लगाई गई थी वह मुंबई में लगाई गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 50 है, माननीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। स्वास्थ्य संस्थाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। 51 है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थव्यवस्था से समन्वय। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अब चलते निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार राज्य है, आप लोग जानते हैं दोस्तों बिहार राज्य है कृषि प्रधान। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के लिए स्तर को प्रभावित करता है। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय 55 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में कितने जिले हैं। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है बिहार में। अब इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाए। इसमें से हो जाएगा दोस्तों आप लोग का आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया जो कोयला होता है दोस्तों पीट कोयला होता है। अब निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, धान। भारत की प्रमुख खदान है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, धान। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा 80%, सी हो जाएगा। बिहार में राज्य मार्ग है कहाँ है। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सासाराम नगर का विकास कहाँ हुआ था। इसमें दोस्त कब हुआ था। इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 67 है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा जो गोविंद सागर है, रिहंद बांध।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र राज्य है, इसमें तो सबको आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, इसमें दोस्तों आप लोग ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1871 में कौन सी संधि हुई थी, इसमें दोस्तों आप लोग आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित है, इसमें दोस्तों आप लोग ऑप्शन हो जाएगा बी संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 72 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होती है, इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा तिनकठिया जो प्रणाली लागू होती है किसानों पर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंटर समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोलकाता जलप्रपात कोकोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है, इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी नवादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस जिले की सीमा बिहार से जुड़ी है, इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 78 है, गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था लागू की गई व्यवस्था की जरूरत है, इसमें दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बहुदलीय व्यवस्था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसमें दोस्तों आप लोग ऑप्शन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, इसमें दोस्तों आप लोग ऑप्शन हो जाएगा बी 1975 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है कि आप लोगों दो छूट गया था, हो जाएगा सबसे घटिया कोयला जी, तो हो गया था दोस्तों, चलते हैं सब हो गया है। अब जो आपका आंसर जितना आया होगा आप लोग मिला लिएगा अच्छे से, मैंने पिछले वीडियो में सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था उसमें से लगभग 25% क्वेश्चन लड़ गया था, जो आप लोगों को मैंने दिया था 70 क्वेश्चन दिया था जिसमें से आप लोगों को लगभग 35-40 क्वेश्चन लड़ गया था, यानी कि 50% क्वेश्चन लड़ गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों,